मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ, शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक खास प्रयोग की चर्चा करेंगे। वो प्रयोग उन लोगों के लिए है, आपने देखा होगा ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मैं इतना पैसा कमाता हूं फिर भी मेरे पास नहीं बचता, बहुत पैसा कमाता हूं। एक होता है कि आपकी पगार, आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह बहुत कम है तो ये जायज है कि आप कह सकते हो कि पता नहीं कैसे घर चलाया जाए। लेकिन एक अच्छी तरीके से आप सैलरी आपको मिलती है, अच्छी मात्रा में मिलती है, फिर भी आपका कंप्लेंट बना रहता है कि मैं लाखों रुपया महीना कमा रहा हूं लेकिन पता नहीं क्यों घर ठीक ढंग से चला ही नहीं पा रहा हूं। कभी ये तंगी, कभी वो तंगी, कभी ये चीज में पीछे रह गए, कभी वो चीज में रह गए, कभी इनको देना बाकी, कभी इनको देना बाकी है। और ये लाखों रुपया कमाने के बाद भी, कहने का मतलब है ये वो लोगों के लिए है। इसमें व्यवसायी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, दुकानदार होते हैं, सब लोग होते हैं, भले 2-3 लाख रुपया कमा रहे हैं लेकिन अड़चन उसी जगह पर आती है कि पैसे टिक नहीं रहे हैं। पैसे की जो स्पीड है वो बहुत तेजी से, यानी जितना आप कमा रहे हैं उसकी स्पीड से ज्यादा स्पीड में पैसे जाने की क्रिया शुरू हो जाती है। इसे रोकने के लिए खास प्रकार का प्रयोग माना जाता है। कहने का मतलब है पैसे आने की जो स्पीड है और पैसे जाने की जिससे डबल स्पीड है तो वो रोकने के लिए खास प्रकार का प्रयोग माना जाता है। अब एग्जांपल आप यूं समझ लो कि एक 50 की स्पीड से आपके पास धन आ रहा है, 100 की स्पीड से धन जा रहा है तो आपके पास बचा नहीं बल्कि कर्ज और बढ़ गया, यूं समझ लो। तो धन तो चंचल है, ये तो रुकेगा नहीं, दुनिया संसार इसी के आसपास है, चाहे आप हो हम हो सब लोग इससे परेशान है। मेरा कहने का मतलब है ये वो प्रयोग माना जाता है कि ये प्रयोग से क्या होता है, धन जाने की जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है। ये उस तरह का प्रयोग माना जाता है कि धन आपके पास टिका रहे, लक्ष्मी आबद्ध रहे। आबद्ध का मतलब है रुकना, लक्ष्मी चंचल होती है लेकिन आबद्ध का मतलब यह है कि अगर 0.001% भी लक्ष्मी रुकती है तो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। लक्ष्मी न रुकने का यही समस्या है। अगर आपके घर में महिलाओं की इज्जत नहीं होती, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दुराचार और मानसिक असंतुलन है, क्लेश है, विवाद है तो ऐसी जगह पर लक्ष्मी आ भी जाए तो जल्दी रुकती नहीं है, चली जाती है। यानी ये बहुत मेन चीज है, आपके घर में अगर अशांति है तो लक्ष्मी, कितना भी आप करोड़ों रुपया कमा रहे हो, धन किसी भी कारण से घर से बाहर निकल जाएगा, किसी भी रूप में घर से बाहर निकल जाएगा। तो आप कहते रह जाओगे कि मैं लाखों रुपया, करोड़ रुपया कमाता हूं, समझ में नहीं आता क्या करूं। यही कारण है कि घर को, घर में लक्ष्मी को रोकने के लिए शांति की जरूरत है, एक सात्विक माहौल की जरूरत है। जिस घर में अशांति इस तरीके से रहती है, महिलाओं की इज्जत नहीं होती और बहुत ही दुराचारिक कार्य होते हैं, बहुत ही कहते हैं तामसिक कृत्य होते हैं, ऐसी जगह पर लक्ष्मी रुकना नहीं पसंद करती। भले बहुत तेजी से लक्ष्मी आ रही हो, रुकना नहीं पसंद करती, तेजी से निकल जाती हैं। तो बस ये आज का प्रयोग ऐसे विषयों के लेकर है कि लक्ष्मी आए तो रुके, उनका परसेंटेज रुके, भले 1% लेकिन रुके जरूर। तो वो प्रयोग जो है वो खास प्रकार का प्रयोग है। उसके लिए क्या करना होता है, आपको अपने पास करीब करीब 1/2 किलो कपूर या 250 ग्राम कपूर
अपने पास रखें, यानी 250 ग्राम कपूर अपने पास रखें, और इसमें इसमें जो लौंग है ये 101 लौंग, याद रखें 101 लौंग, एक पाव कपूर 101 लौंग, ये आप एक कटोरी में रख लें, दो छोटी छोटी कटोरी ले लें, उसमें आप रख लें, एक में एक पाव से लेकर आधा किलो तक कपूर होगा, दूसरे में 101 लौंग होंगे। ये दो चीज़ों को अपने सामने रखो, घी का दीपक जलाओ, उसका जो मुख होगा वो साउथ की तरफ होगा, दीपक की लौ का मुख होगा साउथ की तरफ होगा, और उसके बाद सामने आप बैठ जाओ। सामने बैठने के बाद खास तरीके से, ये एक प्रकार की लक्ष्मी मुद्रा है, ये मुद्रा लगाओ, आज्ञा चक्र पर ध्यान दो, आज्ञा चक्र पर ध्यान देने के बाद 10 बार आप प्राणायाम करो, जितनी देर तो हो सके रोक रखो। जो से खींचो इस तरीके से आप 10 बार आप प्राणायाम करो। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम ऐं श्रीं क्रीं धन दायिनी स्वाहा, ओम ऐं श्रीं क्रीं धन दायिनी स्वाहा, ओम ऐं श्रीं क्रीं धन दायिनी स्वाहा, ओम ऐं श्रीं क्रीं धन दायिनी स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ, ओम ऐं श्रीं क्रीं धन दायिनी स्वाहा, ओम ऐं श्रीं क्रीं धन दायिनी स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, और ये मुद्रा लगाकर ये मंत्र जाप करना है। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है, 10-20 मिनट तक ये मंत्र का आपको जाप करना है, बस हो गया। उसके बाद किसी को फल या भोजन का आप दान कर दो। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लो, मतलब एक प्लेट ले लो, प्लेट के ऊपर छोटी सी कटोरी रखो। कटोरी रखने के बाद उसमें दो टुकड़े कपूर के रखो छोटे छोटे, और उसमें एक लौंग रख दो, दो टुकड़े कपूर और एक लौंग, ये रखें और उसको जला लें। एक प्लेट रखें जिससे हाथ में आपको लगे नहीं, उसके ऊपर छोटी सी कटोरी रखें, छोटी सी कटोरी में दो टुकड़े कपूर के रखें, एक लौंग का रखें ऐसा, और वो रखने के बाद इसको प्लेट के साथ में इसको जलाएं, और उसका धुआं पूरे घर के कोने कोने में आप दिखा दें, घर के कोने में, कपूर के साथ लौंग भी होना चाहिए, पूरे घर के कोने कोने में आप दिखाइए। इससे वहां का वास्तु दूर हो जाता है, वहां की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होनी शुरू हो जाती है, वहां पर कोई तांत्रिक प्रकार का कोई काम किया गया है, तंत्रवादा जैसी कोई चीजें हैं तो वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर ऊपरी साया इस तरह की अड़चने आ रही हैं, वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। मन मस्तिष्क शांत होता है, मनोबल, मन की जो शक्ति है ये बढ़नी शुरू हो जाती है, क्रिएटिव दिमाग आता है, नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं, ये सब चीजों का लाभ मिलता है। घर का एक एक सदस्य अपने आप को शांत महसूस करेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि सब ऊर्जा आ रही है। इस तरीके से तो पूरे घर में ये आप अपने घर के मंदिर में घुमाइए, अपने तिजोरी, अलमारी, गल्ले में, हर जगह आप इसकी आँच दिखाइए। तो ये आप जरूर करें, ये करें, और उसके बाद इसी तरीके से हर शनिवार, हर ग्रहण, हर अमावस्या को ये प्रयोग करें। और वो अगर आपको लगे कुछ अड़चन आ रही है तो 2-4 दिन तक आप रेगुलर करें, तो आपके पास जो बचा खुचा जो कपूर और लौंग है वो इसका उपाय इसी तरीके से करें, दो कपूर के टुकड़े और एक लौंग जलाइए और उसका धुआं सब जगह दिखा दीजिए। वो जल जाए, खत्म हो जाए, तो वापस से दो कपूर डालिए, एक लौंग रखिए और पूरा धुआं आप दिखा दीजिए घर भर में। तो इस तरह से जहां जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब निकलनी शुरू हो जाती है, मन मस्तिष्क शांत हो जाना शुरू हो जाता है। इस तरीके से आपको लाभ मिलता है। ये प्रयोग वैसे किसी भी शुक्रवार को कर सकते हो, सूर्य अस्त होने के बाद आप कर सकते हो, नहीं तो शनिवार, मंगलवार, अमावस्या, ग्रहण को ये किया जा सकता है। ये आर्थिक जितनी भी अड़चने हैं, आर्थिक जितनी भी समस्याएं हैं, ये प्रयोग से पूरी नष्ट हो जाती हैं, समझ लो। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, रेडिएशंस है, सब नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। एक नया सिस्टम जैसे शुरू हो जाता है, एक शरीर का जैसे कायाकल्प हो गया, इस तरीके से मन विचार निगेटिव से पूरी तरीके से पॉजिटिव में आने शुरू हो जाते हैं। मन में पॉजिटिव यानी अच्छे अच्छे विचार आते हैं और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है।
इस तरीके से पूरा घर परिवार में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो निकलनी शुरू हो जाती है, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये प्रयोग करें, आप उसका फायदा उठाएं, आपको अगर लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद करें। धन्यवाद।